अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर थ्री है। 4 - 32x इक्वल टू 17x2। पहले शिफ्ट कर लें इसको, ये वाले फैक्टर उठा के आप इधर ले जाते हैं ताकि एक्स स्केयर ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसको उठा के इधर ला सकते हैं आप, लेकिन फिर आपको नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। इसको उठा के इधर ले जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो बच जाएगा इस साइड पर, तो 17x2 32 नेगेटिव होते जाएगा पॉजिटिव 32x और 4 पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अगेन इसको चेंज कर लें साइड को, तो क्या 17x² + 32x - 4 = 0। अब अगेन आपने फैक्टर बनाने हैं तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म और सेकंड को आपने लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो 17 4 साइन भी याद रखना है कि आपने के साइन भी नेगेटिव मल्टीप्लाई करने हैं, तो प्लस माइनस माइनस, अगर हम इसके करें तो -68 बनेगा x². अब 68 के हमने बनाने हैं फैक्टर, कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 68 आ जाए और उनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 32 आ जाए। तो जब भी नंबरों का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव में आता है तो ज़रूरी होगा कि उसमें जो फैक्टर बनेंगे इसके, उसमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो अगर 61 का हम करते हैं 68, तो ये तो नहीं बनेगा हमारे पास फैक्टर। तो अगर 2 पे जाएं तो 2 3 6 4 = 68, इनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 32 आ रहा है। तो अब 32 प्लस का है, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव का, इनमें से एक नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव किसके साथ होगा और नेगेटिव किसके साथ होगा, इस साइन ने बताना है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो इनमें बड़ी के साथ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो इनमें जो बड़ी टर्म्स हैं उनके साथ नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे बड़ी के साथ पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 17x² + 34x - 2x - 4 = 0। 17x कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 17 कॉमन आएगा और एक्स भी, यहाँ पर एक्स बच गया, प्लस 7 2 = 34 होता है तो 2 बच गया, यहाँ पे से -2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया x + 2 = 0। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, x + 2 हमारे पास कॉमन आएगा, तो 17x - 2, ये फैक्टर और ये फैक्टर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच गया x + 2 = 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो 7x - 2 = 0 होगा या x + 2 = 0 होगा। यहाँ से क्या आएगा, 17x = 2 और x = 2/17, और यहाँ से एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। तुम्हारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, -2/2/17। बच्चों ये इजी क्वेश्चन है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसको मिड टर्म ब्रेकिंग भी बोलते हैं।